गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 2, टीथ एंड माइक्रोब्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कहानी के माध्यम से कि रिया एक लड़की है जो एक दिन आईना में दांतों को देखती है, जो दांत विभिन्न तरह के दांत थे, कुछ समतल थे, कुछ चौड़े थे, कुछ नोकीले थे। वो देख के वो हैरान हो जाती है और घबरा भी जाती है, तो अपनी माँ से पूछती है। तो माँ, उनकी माँ समझाती हैं कि हर दांत का अलग अलग काम होता है, कुछ चबाने का काम में होता है, कुछ भोजन भोजन चबाने में मदद करते हैं, कुछ पीसने भोजन को पीस के खाने में, कुछ काटने में, और दांतों की भी अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए, नहीं तो दांत गिर जाएंगे। आज इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं, दांत कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। टीथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दे नॉट ओनली हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द फूड, बट ऑल्सो इनेबल अस टू टॉक एंड मेक डिफरेंट साउंड्स। दे गिव शेप टू आवर फेस एंड ए नाइस स्माइल ऑल्सो। Teeth are fixed to our jawbone in our mouth and are arranged in a curved line along our top and bottom jaws. दांत क्या होता है? एक बहुत ही आवश्यक भाग होता है हम लोग के शरीर का। वे सिर्फ भोजन चबाने और काटने में ही नहीं मदद करते हैं, हम लोग को योग्य बनाते हैं बात करने के लिए भी और बहुत सारी आवाज़ें निकालने के लिए भी। दे गिव शेप टू आवर फेस एंड ए नाइस स्माइल ऑल्सो। दांत क्या करते हैं? हम लोग के चेहरे का आकार देते हैं, अच्छी मुस्कान देते हैं। अगर दांत हम लोग के माउथ में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हम लोग का चेहरे का आकार बिगड़ जाएगा और हम लोग ठीक से बात भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए दांत हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक भाग होता है। टीथ आर फिक्स्ड टू आवर जॉबोन इन आवर माउथ एंड आर अरेंज्ड इन ए कर्व लाइन अलोंग आवर टॉप एंड बॉटम जॉज। दांत क्या होता है? दांत हम लोग के मुंह के जबड़े में फिक्स रहता है और कर्व लाइन मतलब बकरी रेखा कहते हैं, ऊपर और नीचे के जबड़े पे रहता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये दांत मतलब मुंह में दांत का बनावट है जो ऊपर और नीचे कर्व लाइन में रहता है। टू सेट्स ऑफ टीथ। दो तरह के दांत होते हैं। We have two sets of teeth in our lifetime. By the age of 3, the first set of 20 teeth appears. This set of teeth is called milk teeth. These are temporary teeth. हम लोग के जीवन समय में दो तरह के दांत होते हैं। पहला जो 3 साल के एज में क्या होता है, पहला सेट क्या होता है, 20 दांत होता है, दिखाई देता है, वो क्या होता है, इसे दूध का दांत कहते हैं। इसे तत्कालीन दांत कहा जाता है क्योंकि ये बाद में गिर जाता है टूट के, फिर नए दांत निकल आते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ऊपर में कितना है, ऊपर 10 है और 10 है 20, इसीलिए ये दूध का दांत कहा जाता है। 3 साल के एज में दिखाई देता है। एट द एज ऑफ About 6 years, the milk teeth begins to fall off. New teeth start appearing in their place. These are called permanent teeth. An adult person has 32 teeth. जब 6 साल की उम्र होती है तो दूध का दांत क्या होता है, गिरने लगता है, नए दांत निकलना शुरू हो जाते हैं उस जगह से, उसे permanent teeth कहा जाता है। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे जिन्हें व्यस्क कहा जाता है, तो उन्हें 32 दांत होती हैं।
जैसा कि देख रहे हैं फिगर में टेम्पररी टीथ हैं, इसमें 20 दांत रहता है, और परमानेंट टीथ हैं जिसमें 32, ऊपर 16 और नीचे 16, ये कर्व लाइन में है। अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ टीथ, दांत के कितने प्रकार होते हैं। इफ़ यू ओपन योर माउथ एंड लुक इन टू द मिरर एंड कंपेयर द टीथ इन फ्रंट एंड एट द बैक, यू विल फाइंड टीथ ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड टाइप्स। देर आर फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, दे आर एज फॉलोइंग। अगर हम लोग अपना मुंह खोलते हैं और आईना में देखते हैं और तुलना करते हैं दांतों की, तो हम लोग देखते हैं कि सामने और पीछे में हम लोग दांत देखते हैं बहुत भिन्न तरह के आकार और प्रकार के। वो चार तरह के दांत होते हैं, कौन कौन होते हैं हम लोग समझते हैं। दे आर द फॉलोइंग, पहला होते हैं जिसे इंसीजर कहा जाता है। देर आर फोर फ्रंट टीथ हैविंग शार्प स्ट्रेट एजेज इन ईच जॉ, दीज आर नोन एज इंसीजर्स। दे आर यूज फॉर कटिंग इन ऑल, दे आर एट इंसीजर्स। इंसीजर दांत की बनावट इस तरह से होती है, वहाँ पे चार सामने का दांत होता है जिसमें जो कि तेज होता है, सीधा किनारा पे होता है, हर जबड़ा पे होता है, इसे क्या कहा जाता है, इंसीजर कहा जाता है। ये कटिंग काटने का काम में उपयोग में आता है। यहाँ 8 इंसीजर होते हैं इस टाइप के दांत, फ्रंट में 8 तरह के। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे 4 दांत हैं, ये क्या है, इंसीजर है। समझाने के लिए दिखाया गया इंसीजर फ्रंट में जो है। अब हम दूसरे तरह के दांत को देखते हैं, कैनिन्स। देयर आर 2 शार्प एंड पॉइंटेड टीथ ईच ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर इन ईच जॉ, दे आर यूज और फॉर टीयरिंग द फूड, दीज टीथ आर नोन एज कैनिन्स और टीयरिंग टीथ। इन ऑल देयर आर 4 कैनिन्स। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स हैव बिगर एंड शार्पर कैनिन्स सो दैट दे कैन टीयर द फ्लेश ईजली। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं ये कैनिन है, ये दांतों का देख रहे हैं, जो कि इंसीजर से काफ़ी अलग है। इंसीजर में देखिए इस तरह के हैं, वहाँ पे दो तेज और नोकीले दांत होते हैं दोनों ओर होते हैं। इंसीजर जो होता है, यहाँ पे इंसीजर जो देख रहे हैं, इंसीजर दांत के हर जबड़े में होते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंसीजर के बगल में ये क्या है, कैनिन है। ये जो इधर देख रहे हैं ये कैनिन होता है, ये भोजन को चीरने के काम में आता है और उसे कैनिन या चीरने वाला दांत बोला जाता है। यहाँ पे 4 कैनिन होते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, 1, 2 फिर 3 और ये 4, ब्लू से हाईलाइट किया गया है समझाने के लिए। या इसे 4 तरह के कैनिन हो जो इंसीजर के जस्ट बगल में होते हैं। मांस खाने वाले जानवर या बड़े जानवर जिन्हें तेज कैनिन होता है, वो आसानी से मांस को चीर के खा पाते हैं। हम लोग तीसरे तरह के दांत को देखते हैं जिसे प्रीमोलर्स कहा जाता है। एट द बैक ऑफ आवर माउथ देर आर फ्लैट एंड वाइट टीथ, दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। देर आर 4 प्रीमोलर्स, 2 और आइदर साइड ऑफ द कैनिन्स इन ईच जॉ, दे आर यूज फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड, देर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल। अब ये देखिए प्रीमोलर दांत है, इसकी दांत की बनावट इंसीजर और कैनिन से काफ़ी अलभिन्न है। हम लोग के मुंह के पिछले हिस्से में चौड़ा
दांत होता है और समतल होता है, इसे जिसे प्रीमोलर कहा जाता है। चार प्रीमोलर होते हैं जो कि कैनिन के दोनों ओर होते हैं हर जबड़े में। वो क्या काम में आते हैं? भोजन को तोड़ने और उसे क्रश करने में, मतलब भोजन को पीसने में। सब मिला के कितना होते हैं? 8 प्रीमोलर्स होते हैं, जैसा कि देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रीन से हाईलाइट जो किया हुआ, ये प्रीमोलर्स है। 4 ऊपर, 4 नीचे। अब हम लोग मोलर समझते हैं। मोलर, नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। दे आर ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट। दे ग्राइंड एंड च्यू द फूड। द लास्ट मोलर्स आर ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ। देर आर 12 मोलर्स इन ऑल। प्रीमोलर के बगल में 6 मोलर होता है हर जबड़े में। वो समतल होता है और चौड़ा होता है। ये भोजन को क्या करता है? पीसने और चबाने के काम में मदद करता है। अंतिम जो मोलर होता है उसे क्या कहा जाता है? विजडम टीथ कहा जाता है। टोटल मिला के कितने मोलर होते हैं? 12 मोलर होते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। मोलर को हाईलाइट किया गया यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर 6 और नीचे भी 6, 3 इधर और 3 इधर, 6 क्या हो गए? ये जस्ट प्रीमोलर के बगल में होते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स टू हेल्प देम च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड वेल। पौधे खाने वाले जानवरों के पास अच्छे तरह से विकसित मोलर और प्रीमोलर्स होता है जो उन्हें चबाने और पीसने, भोजन को पीसने का काम में मदद करता है। सो आउट ऑफ 32 टीथ इन अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ देयर आर 8 इंसीजर, 4 कैनिन्स, 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। परमानेंट टीथ में क्या होता है? 32 दांत होता है, 8 इंसीजर होता है, 4 कैनिन होता है, 8 प्रीमोलर होता है और 12 मोलर। ये सब मिला के क्या होता है? 32 दांत। 8 इंसीजर, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 इंसीजर हो गए। उसके बाद 4 कैनिन्स, 4 कैनिन्स जो हैं ब्लू रंग से हाईलाइट किया हुआ, 2 जस्ट इंसीजर के बगल में हो गए और 2 यहाँ पर ब्लू रंग से जो है हाईलाइट किया हुआ। फिर 8 प्रीमोलर्स, 8 प्रीमोलर्स देखते हैं कैसे हैं। ये हरा रंग से जो है दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 नीचे और 4 ऊपर। और 12 मोलर्स, 12 मोलर्स कैसे हो गए? इधर इधर ऊपर 6 और नीचे भी 6, मिला के 12 मिला के टोटल 32। सब टोटल 8 इंसीजर, 8 कैनिन्स, 8 प्रीमोलर्स और 12 मोलर्स मिला के 32 दांत होंगे। परमानेंट टीथ में कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझे दांत हम लोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, कितने तरह के दांत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, परमानेंट टीथ क्या है, टेम्पररी टीथ क्या है, ये सभी हम लोग समझ चुके हैं।